हमारे और आपके बीच में कई ऐसे लोग रहते हैं जिनका काम होता है दंगा भड़काना, लोगों को बांटना, धार्मिक हिंसाएं फैलाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं नवीन कुमार नंदन। आज आपको मैं एक ऐसी खबर बताऊंगा जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाएं। आपको पता होगा, लखनऊ में अभी कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मॉल का उद्घाटन किया। उसका नाम है लुलू मॉल और उसके मालिक हैं मुसलमान जो केरल के रहने वाले हैं। मॉल को ओपन हुए एक हफ्ते भी नहीं हुए वो मॉल विवादों में आ गया। विवादों में इसलिए आ गया, कुछ लोग थे मुस्लिम समाज के, कुछ लोग थे वे लोग मॉल में आए हुए थे। उन लोगों को नमाज पढ़ना था। तकरीबन 10 की संख्या में 10 मुसलमान बैठ गए और उन्होंने नमाज अता कर ली, अपने अल्लाह को याद कर लिया। तो बताइए, क्या अल्लाह को याद करना गुनाह है? क्या अल्लाह को नहीं याद किया जा सकता? कौन कहता है अल्लाह को नहीं याद किया जाता? क्या भगवान को याद करने के लिए किसी विशेष मस्जिद, मंदिर या जगह की जरूरत होती है? भगवान है, अल्लाह है, खुदा है, कहीं भी उन्हें याद कर लो, इसमें दिक्कत क्या है? उन लोगों ने नमाज अता कर ली। हिंदू संगठन के लोग हैं, इनको ये बातें चुभ गई, वीडियो भी आ गया, बहुत बुरी लग गई। मॉल में कैसे कोई नमाज पढ़ सकता है? बकायदा हिंदू समाज के लोगों ने लेटर जारी कर दिया, कहा कि आज यहां पर नमाज पढ़ी जा रही है और अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप इस पर कार्रवाई नहीं करते तो हम लोग यहां पर सुंदर कांड का पाठ भी करेंगे। सोचिए किस तरीके से समाज में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। कार्रवाई तक की बात तो ठीक थी, लेकिन खुलेआम धमकी दे दी हम लोग सुंदर कांड का पाठ इसी मॉल में करेंगे। इसके पीछे की जो सच्चाई है, जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं क्रोनोलॉजी, समझना बहुत जरूरी है। समझिए, मैंने आपको पहले ही कहा वीडियो की शुरुआत में ही, लुलू मॉल के मालिक मुसलमान हैं, इसी की वजह से ये पूरा मामला बढ़ता जा रहा है। एक केरल से आया हुआ व्यक्ति कैसे यूपी में व्यापार कर ले? 2000 करोड़ रुपए, दोबारा सुनिए, 2000 करोड़ रुपए लगे हैं मॉल को बनाने में। मुसलमान मालिक है, लेकिन ये बात हिंदुओं को कहीं से खर नहीं रही है, हिंदुओं को अच्छा नहीं लग रहा है। जो लखनऊ में और तमाम मॉल्स हैं, 2-3-4 मॉल हैं, उनका नाम लेना ठीक नहीं है, इतने अच्छे लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे नहीं है। इसीलिए हिंदू संगठन परेशान है, एक मुसलमान आखिर आगे कैसे बढ़ रहा है। लुलू मॉल के जो मालिक है ना साहब, भारत के दूसरे सबसे मुसलमान व्यक्ति हैं, समझ रहे हैं आप, दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुसलमानों में, लेकिन हिंदू संगठन विरोध कर रहा है। News24 ने ट्वीट किया है, लखनऊ लुलू मॉल में नमाज का मामला अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने पत्र जारी किया। लुलू मॉल में नमाज हुई तो करेंगे सुंदर कांड, मॉल को बायकॉट करने की अपील तक कर दी गई है। बकायदा अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से लेटर जारी किया गया है। वहीं आज तक खबरिया चैनल है, आज तक उसके वेबसाइट पर खबर छपी है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शशि चतुर्वेदी ने कहा, मुस्लिम मौलानाओं द्वारा भी कहा गया है कि यदि नमाज पढ़नी है तो मस्जिदों में पढ़ो, और ऐसे में जो कृत आज हुआ इसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता हूं, ऐसी घटना पर कार्रवाई की जाए ताकि फिर ऐसा ना होने पाए। सोचिए किस तरीके से नफरत फैलाया जा रहा है। मॉल के बारे में आपको बताऊं, मैं लखनऊ में बना लुलू मॉल सोमवार से ही आम लोगों के लिए खुल गया है। बीते रविवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
लुलु मॉल का उद्घाटन किया था। उनके साथ में सतीश महाना, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद थे। इसके साथ ही जहां सीएम साहब जाएंगे, तमाम वहां पर बड़े बड़े अधिकारी भी जाएंगे, कर्मचारी भी जाएंगे। 2000 करोड़ रुपए की लागत से लुलु मॉल 11 एकड़ में बनकर तैयार हुआ है, जो कि सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में शहीद पथ पर करीब 22 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। वहीं लुलु मॉल के मालिक यूसुफ अली केरल के रहने वाले हैं। सारा विवाद, सारा खेल यहीं से शुरू होता है। यूसुफ अली साहब, आप केरल के रहने वाले हैं, तो यूपी में आकर के आप क्यों व्यापार करना चाहते हैं? दरअसल दिक्कत इन लोगों को है। वहीं जो दैनिक भास्कर है, दैनिक भास्कर ने भी लंबा चौड़ा इस पर लेख लिखा है, खबर छापी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा, देखिए लुलु मॉल एशिया का सबसे बड़ा मॉल है, 80% मुसलमानों को यहाँ पर नौकरी दे दी गई है, 20% हिंदू लड़कियों को रखा है, एक भी मुस्लिम लड़की को नहीं रखा गया है। समाज में कितना बड़ा आरोप है इनका, 80% मुसलमानों को नौकरी दी गई है और 20% हिंदू लड़कियों को रखा गया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि इसमें और भी कई मामले हैं, जिस प्रकार से मॉल में नमाज पढ़ी गई बड़े पैमाने पे, मतलब 10 मुसलमान अगर कहीं पर नमाज पढ़ लेते हैं तो बहुत बड़ा पैमाना हो जाता है। इनके हिसाब से हम वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। खुलेआम शासन प्रशासन को साहब चुनौती दे रहे हैं, राजू दास चुनौती दे रहे हैं, कोई रोक नहीं पाएगा, हम लोग यहाँ पर सुंदर कांड करेंगे, हम लोग यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। वहीं मॉल की तरफ से सफाई दी गई है। मॉल की तरफ से कहा गया, हमें इस वीडियो का कोई अंदाज़ा नहीं है, हम उन लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, मॉल के अंदर हम इस बात की इजाज़त बिल्कुल नहीं देते हैं। सोचिए, अब तक हिंदू महासभा की तरफ से ही कहा जा रहा था कि हम लोग जो है कि यहाँ पर सुंदरकांड करेंगे, लेकिन राजू दास साहब सामने आ गए, कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, साथ ही बकायदा लेटर भी जारी कर दिया गया है। सोचिए किस तरीके से हमारे समाज में, हमारे और आपके बीच नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है। अभी मैंने 2 दिन पहले आपको एक वीडियो दिखाया था, पूरा हमने एपिसोड बनाया था, उसमें हमने दिखाया था किस तरीके से अमरनाथ में जो बादल फटे हैं, वहां पर इंडियन आर्मी के साथ ही मुसलमान भाई भी कंधे से कंधा मिला करके लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं, हिंदू भाई का रेस्क्यू कर रहे हैं। वे लोग बकरीद मनाने के लिए घर नहीं गए, लेकिन वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में किस तरीके से हिंदुओं मुसलमानों को बांटने का काम, हिंसा भड़काने का काम किया जा रहा है, और बाकायदा सीएम साहब को लेटर भी लिखा जा रहा है। तो क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बताएंगे, आपने इसीलिए इस मॉल का उद्घाटन किया था, यहाँ पर हिंदू मुसलमान हो? मुझे लगता है आपने ही सोचा होगा, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आएंगे, क्योंकि आप लोग सर्वधर्म संभाव की, सद्भाव की बात करते हैं, जहाँ पर सभी धर्मों की इज्जत हो, सभी धर्मों को मान सम्मान मिल सके। खैर, आप दर्शक हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर दें, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।